में किसानों ने सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक काले झंडे लेकर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ पुरजोर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में किसानों के साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए और भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी हिसार में तनावपूर्ण माहौल बना रहा। किसान सभा के सैकड़ों किसान महिलाओं के साथ एयरपोर्ट चौक पर पहुंचे। इस दौरान किसानों ने नेशनल हाईवे पर भी 5 घंटे तक जाम लगाए रखा। जानकारी के अनुसार डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अपने निर्धारित समय से 2 घंटे लेट एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे। उनके हेलीकॉप्टर के पहुंचने के बाद किसानों ने दुष्यंत चौटाला के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और काले झंडे दिखाकर रोष जताया। वहीं एयरपोर्ट परिसर में डिप्टी सीएम ने हिसार के प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग ली। बताया जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला इसके बाद अपने आप को बचाते हुए हेलीकॉप्टर में सवार होकर हिसार के एचएयू सेंटर पहुंचे और लैंडिंग के बाद गाड़ियों के माध्यम से लघु सचिवालय में पहुंचे और एक कार्यक्रम में शिरकत की। इसके बाद भारी सुरक्षा बल के साथ आजाद नगर में एक शादी समारोह में शामिल हुए। इसी बीच किसानों को पता चला कि दुष्यंत चौटाला हिसार के अर्बन एस्टेट अपने निवास स्थान पर जाएंगे और कार्यकर्ताओं से साथ बैठकर बैठक करेंगे। रिपीट। इसी बीच किसानों को पता चला कि दुष्यंत चौटाला हिसार के अर्बन एस्टेट अपने निवास स्थान पर जाएंगे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, तो हाईवे पर बैठे सभी किसान अपने वाहनों पर सवार होकर अर्बन एस्टेट दुष्यंत चौटाला की कोठी पर पहुंच गए। इस दौरान किसानों ने डिप्टी सीएम का पुतला फूंक कर रोष जाहिर किया। दुष्यंत की कोठी के आसपास चारों ओर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और बैरिकेड्स भी लगाए गए थे, परंतु गुस्साए किसान व महिला बैरिकेड्स और पुलिस सुरक्षा का नाका तोड़कर दुष्यंत चौटाला के आवास पर पहुंच गए और अपनी भड़ास निकालते हुए उनका पुतला फूंक दिया। इस दौरान किसान सभा के जिला प्रधान शमशेर सिंह ने कहा कि जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे, बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का हरियाणा प्रदेश में वे पुरजोर विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, दुष्यंत चौटाला, पीएम मोदी, अमित शाह जहां पर भी सार्वजनिक कार्यक्रम करेंगे उनका भी विरोध किया जाएगा। किसान सभा के जिला प्रधान शमशेर सिंह नंबरदार ने कहा कि वीरवार सुबह एयरपोर्ट का विरोध किया था, जिसमें महिलाओं व किसानों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला एयरपोर्ट पर अपने निश्चित समय से 2 घंटे लेट पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि हिसार के लघु सचिवालय में दुष्यंत चौटाला मैथिली कलेक्शन के लिए आए थे और बाद में वहां से चुपके से एक शादी समारोह में पहुंच गए। उन्होंने कहा कि हिसार के अर्बन एस्टेट में अपने आवास स्थान हम सुबह 8 बजे एयरपोर्ट पर हमारे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का विरोध करने के लिए आए थे। वो किसानों की तादाद को देखते हुए जो उसका टारगेट टाइम था उसे लगभग 2 घंटे बाद में आया और 2-2.5 घंटे किसानों के उठने के इंतजार में एयरपोर्ट के अंदर ही बैठा रहा। उसके बाद गाड़ियों का काफिला निकाल करके चकमा दे करके और गिरी सेंटर हेलीकॉप्टर ले जा करके उतर करके सेक्रेटरिएट जो कलेक्शन पैसे की करने के लिए आता है वो कलेक्शन करके एक शादी में अपनी भूख भगा करके रसगुल्ले गुलाब जामुन खा करके यहाँ कार्यकर्ता बुला रखे थे 222 नंबर कोठी के ऊपर और सेक्रेटरिएट से लाए हुए पैसे गिनने के लिए। वो प्लान अधूरी की अधूरी रहेगी। हम एयरपोर्ट से पता लगते ही भाई सेक्रेटरिएट चला गया, पैसे लेने लग रहे अफसरों से मंथली इकट्ठी करने लग रहा है। हम यहाँ पर आ गए, सारे किसान रास्ते में भी रोके, इस साइड भी बैरिकेड था, इस साइड भी चारों तरफ कोठी के बैरिकेड तोड़ करके किसान यहाँ पर हम भूखे प्यासे सुबह 8 बजे के बैठे हैं। यहाँ पर विरोध स्वरूप किसान भाइयों ने दुष्यंत चौटाला का पुतला फूंका और दूसरा पुतला फिर फूकेंगे। आधी फोर्स हमारी फोर्स ने आधे किसान बैक साइड में रोक रखे हैं और जब तक कानून वापिस नहीं होते दुष्यंत खट्टर मोदी और अमित शाह जेजेपी बीजेपी के लीडर नेता अभिनेता किसी को भी कहीं पर सार्वजनिक प्रोग्राम नहीं करने देंगे, चाहे हमारी जान की बाजी लग जाएगी। काले कानून वापिस करवा करके मानेंगे, शहीद किसानों को मान सम्मान दिलवा करके मानेंगे, बिजली का खतरनाक अधिनियम 2020 खारिज करवा के मानेंगे, पराली फूकने पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना सजा 5 साल का प्रावधान खत्म करवा करके मानेंगे। जो 10 दिन पहले ये सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति अक्षति पूर्ति अधिनियम लेकर के आए हैं आंदोलनकारियों के खिलाफ, उसको निरस्त करवा करके मानेंगे और माफी मंगवा करके मानेंगे। ये सारे काम नहीं किए तो अमन चैन से इनको राज नहीं करने देंगे, कुर्सी पर बैठा नहीं रहने देंगे खट्टर को, मोदी को, इन लोगों को रात को देश छोड़कर भागना पड़ेगा, मजबूर कर देंगे हम। अब तक तो बहका रहे हैं, ये 200 वर्कर बैठे जेबों में पर्ची लिए हुए और दाढ़ी मूंछ बनवा के सुबह से यहाँ बैठे हुए,
गया नया झूठ पका रहे हैं बिल्कुल। कैथल से आगे टपलेगा नहीं हेलीकॉप्टर, हम सब यहाँ से उठेंगे चाहे कुछ हो जियो। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।